कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद श्री चंपालाल बाठिया चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक गणपत बाठिया ने जेठंतरी समधड़ी का दौरा कर मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए। गणपत बाठिया ट्रस्ट द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समधड़ी में चिकित्सा विभाग और समस्त कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर बोतल पीपीई किट वितरित किए गए। समधड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद श्री चंपालाल बाठिया चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक गणपत बाठिया ने जेठंतरी समधड़ी का दौरा कर मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए। गणपत बाठिया ने उप स्वास्थ्य केंद्र जेठंतरी एएनएम इकबाल कौर और ग्रामीणों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर सामाजिक दूरी को अपनाने की अपील की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समधड़ी में चिकित्सा विभाग और समस्त कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर बोतल पीपीटी किट वितरण किए गए। गणपत बाठिया ने बताया कि श्री चंपालाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस महामारी के दौरान लगातार मानवता की सेवार्थ किए जा रहे हैं। निस्वार्थ भाव से मानव जीवन को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। ट्रस्ट द्वारा अब तक 1,25,000 मास्क, 80,000 सैनिटाइजर बोतल, 1,800 पीपीटी किट और खाद्य सामग्री के 1,800 पैकेट वितरित किए गए हैं। वहीं इसी क्रम में सोमवार को इस भयानक महामारी संकट के बीच सेवा की भावना से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी शहर तक जन सेवा में जुटे हुए हैं। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी से जरूर निवेदन करूंगा, जो दवाइयों की कमी है, ब्लैक मिलिंग हो रही है, लोगों के अंदर इतना भय है, उसके लिए वो जरूर बंदोबस्त करें। दवाई के लिए लोग मरने नहीं चाहिए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और सारे लोग झुंझारू रूप से पूरी ताकत से और अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी तरह से इस कोरोना की रोकथाम में लगे हुए हैं, हर मरीज का पूरा ध्यान रख रहे हैं। जिस भयावहता से साथ आई है, उसके लिए मैं सभी ग्रामीण बंधुओं से यही निवेदन करूँगा कि आप अपनी जागरूकता बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट के लिए आवें और पॉजिटिव आने के बाद घबराने की बजाय घर के अंदर आइसोलेट हो जाएं। ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं है इसमें, इसलिए आप निश्चिंत रहें और घर के अंदर आइसोलेशन सबसे ज़रूरी है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समधड़ी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शिव मंगल नागल ने ग्रामीणों से कहा कि अभी मास्क ही वैक्सीन है और इसका उपयोग कर हम अपने परिवार और समाज को खतरे में पड़ने से बचा सकते हैं। सभी बाहर आने जाने वाले मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें।